अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरे पास है नानोस व्लॉग, वो मेरे साथ आई है और ये हमारा प्यारा सा सुबहान है जो जनाब किस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज मैं अपनी मैम से मिलने आई हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल करीब आई हुई थी तो मैंने सोचा मैं भी मिल के आती हूँ, तो बहुत खुशी लगी, खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। तो और आपको हम साथ साथ बाइंडिंग करना सिखा रहे हैं, आप साथ साथ बाइंडिंग भी करें और हम हमारी बातें भी सुने, क्योंकि आज हम लाइव नहीं आ सकते क्योंकि आज अम्मी की बरसी है, इसलिए मैं अबू के घर आई हुई हूँ। आपको मैं साथ साथ बाइंडिंग करना सिखा रही हूँ और साथ साथ हम नानोस व्लॉग से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे उनको हमारे साथ हमारे पास आना कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह किसी दिन मैं इनके घर भी जाऊँगी और वहाँ पर जाके हम बैठेंगे और अपनी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। कि वो मेरी ये वीडियो देखकर बड़ी आसानी से बुक्स बाइंडिंग करना सीख जाएंगे। ये आप सीख कर इसको अपना प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, आप घर में आराम से बुक बाइंडिंग करना शुरू करें और पैसे भी कमाएं। मेरी कोशिश हो तो होगी कि मेरी वजह से आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये आप एक्सरे आपको बाज़ार से ईजिली मिल जाएंगे, उर्दू बाज़ार में बहुत सस्ते आपको मिल जाते हैं। ये मशीन भी आपको वहाँ से तकरीबन 2000 की मिल जाएगी और इसकी जो पिन्ने होती हैं वो मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं। अगर आपके पास बुक्स अब बारीक साइज़ में हैं तो उसमें आपने कम साइज़ की आपने पिन लगानी, अगर मोटे साइज़ की है बुक तो उसमें और बड़ी साइज़ की पिन्ने लगेंगी। हर पिन के डिब्बे पर उसका साइज़ लिखा होता है। इस तरह आप ला कर घर में रखें और बुक्स बाइंडिंग करना सीख लें। तो अभी बस यहाँ पर निगम बाइंडिंग कर रही थी, मैंने साथ साथ वो भी सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी है और इससे हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहती हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और सेहत तंदुरुस्ती से अपने बच्चों पे इनका साया सलामत रखे, मेरी दिल से ये दुआ है। और ये इसी तरह हमें गाइड करती रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और इंशाल्लाह हम ऐसे मिलते रहेंगे और इनसे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच नानोस व्लॉग, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे पास आई और हम दोनों ने बैठ कर बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिलने आते हैं और जो हमारे साथ जिनके चैनल्स हैं वो आती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर चलेंगे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आज हम कुरानदाज़ी नहीं करेंगे, कुरानदाज़ी इंशाल्लाह तो 2 या 3 दिन के बाद मैं करूँगी क्योंकि आज मैं घर पर नहीं हूँ, अम्मी की तरफ आई हूँ, आज अम्मी की बरसी है। इसलिए आप सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी की मगफरत के लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। माँ के बग़ैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, माँ है तो हर चीज़ है, मेका माँ के साथ होता है। अल्लाह ताला मेरे अबू को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरे बहन भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। सो मामी अम्मी नहीं है तो काफ़ी परेशानी होती है, अम्मी थी तो हम बहुत जल्दी चक्कर लगा लेते थे, मंथ में एक बार लाजमी हमारा चक्कर होता था, अक्सर उका तो 15 दिन बाद भी हम चले जाते थे। अम्मी नहीं है तो बहुत अजीब सा फील होता है। जिनके वालदैन और जिनकी माएँ वफात पा गई हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। सो मामी नानोस व्लॉग हमारे साथ ही बहुत अच्छी हैं, आप लोग ज़रूर उनके चैनल पर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें आपको 50% प्रॉफिट होगा, 50% आपके ये सामान लगेगा और 50% आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा, बहुत इजी, आप ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें ये एक्स्ट्रा मैं इसको काट रही हूँ क्योंकि बुक छोटी थी तो मैंने 2 एक्स्ट्रे इस पर नहीं लगाए, एक्स्ट्रा शीट जो होती है इस पर मैंने एक को काटा और एक को ही 2 हिस्से मैंने कर लिए। और जनाब ये देखें मैं इस पर अब ये से फिक्स कर रही हूँ। पहले आपने अच्छी तरह से बुक्स को इसके ऊपर रख देना और दोनों साइड पर आपने रख के हाथों से अच्छी तरह से आपने इसको इसकी ग्रिप बना लेनी है ताकि ये हिले ना। जब आप स्टेपलर करने लगे तो आपने कोशिश करनी है ये बिल्कुल भी हिले ना, क्योंकि अगर ये हिल जाएगा तो ये सही तरह से बुक बाइंड नहीं होगी और बच्चे बहुत जल्दी इसे वो फाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। ये देखें जैसे मैं ये कर रही हूँ इसी तरीके से आप करेंगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत एक्स्ट्रा आसानी हो जाएगी। और मैं माशाल्लाह जब ये मैं करती थी काम तो काफ़ी अर्निंग हो जाती थी, अब मैं बच्चों को ज़रूर सिखाऊंगी ताकि वो भी ये कर सके, क्योंकि हुनर जो होता है ना उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। आपके पास हुनर हो, तालीम हो तो इंसान भूखा नहीं रहता। ये देखें अब मैंने ये पिन्ने लगाने के बाद अब कैंची की मदद से मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा होता है आप उसको काट लें, एक्स्ट्रा शीट जो होती है, और इसके ऊपर फिर आप टेप लगा दें जो ये बुक्स बाइंडिंग की टेप होती है, ये बहुत सही मजबूत होती है, जल्दी उतरती नहीं है, तो आप इसको बाय करें। आप आम टेप इस पर नहीं लगा सकते, आप जस्ट बुक्स बाइंडिंग वाली टेप ही आप लगा सकते हैं या
आपको तकरीबन 150 की या 80 रुपीस की मिलेगी, क्योंकि मुझे अभी इसकी कीमत का नहीं पता। जब मैंने परचेज़ की थी तब 80 रुपीस में या 100 पीस में मिल जाती थी। और इसके इसमें काफ़ी कलर आपको मिल जाएंगे, इन टेप में काफ़ी कलर्स आपको मिल जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा शीट होती है इसमें भी बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। अभी मेरे पास इस टाइम दो कलर की शीट है, एक ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। और टेप मेरे पास भी दो किस्म की टेप है, एक ये सिल्वर कलर है और एक ब्लू कलर है। आप इजीली आप इसे कर सकते हैं। आप ये मेरी वीडियो जब आप करने लगें तो आप ये वीडियो ऑन कर लें और आपको पता चलता जाएगा कैसे करनी है। और ये देखें, ये साइडों पर कोनों पर लाजमी आप ये टेप लगाया करें, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा शीट के कोने होते हैं यहाँ से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जब आप इसको टेप लगा देंगे तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। और ये देखें, ये कितनी अच्छी बुक्स बाइंडिंग हो चुकी है। हमारी तमाम बुक्स बाइंड हो चुकी हैं आपके सामने, या ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको बुक्स बाइंडिंग करना आया है या नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं। अपने हर वीडियो में मेरी कोशिश होगी आपको कुछ थोड़ा बहुत आपके फ़ायदे की चीज़ ही मैं आपको बता दूं, ताकि आने वाले वक्त में आपके काम आ सके। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको बुक्स बाइंड करना कैसा लगा। और ये अम्मी के घर जनाब तमाम छोटे बच्चे हमारे आए हुए हैं और खूब मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहीं भी चले जाएं और आपस में मस्ती इनकी ख़त्म नहीं होती। हसनैन को सब बच्चे तंग कर रहे हैं, हसनैन बच्चों से बहुत प्यार करता है माशाल्लाह, और तमाम बच्चे इससे बहुत प्यार करते हैं। जब भी आता है तो तमाम बच्चे हसनैन के आसपास आ जाते हैं और इसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं हैं और खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर बच्चियाँ खेल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, रौनक लगी हुई है। जब भी हम सब अब्बू के घर आते हैं खूब रौनक लग जाती है और काफ़ी शोर शराबा बच्चे करते हैं। यहाँ पर मुस्कान ने आज ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे माशाल्लाह, इसे बहुत सूट कर रहे हैं। इसकी मदर बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं और वो खुद अपनी बच्ची के लिए कपड़े डिज़ाइन भी करती हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर तमाम बच्चे जनाब खूब मस्ती में हैं। आप लोग लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होगी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज लकी ड्रॉ नहीं हो सकता, मैं घर पे नहीं हूँ। इसलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे मैं ज़्यादा विनर अनाउंस करूँगी, ताकि तमाम लोगों को गिफ्ट दे सकूँ। मेरे आज की वीडियो का सवाल ये है कि आप लोग मुझे बताएं मैंने कितनी किताबों की बुक्स बाइंड की हैं और किस कलर में की हैं। आप लोग ये ज़रूर मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी इसका आंसर दें, ताकि आप लोग जीत सकें ढेर सारे गिफ्ट। मेरी कोशिश होगी मैं अपने वीडियोस में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करूं और आप लोग उसका जवाब दें और गिफ्ट जीतें। आप सईद गनी की प्रोडक्ट मैं गिफ्ट करती हूं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं आपको MK कॉस्मेटिक के सीरम भी गिफ्ट करूँगी, वो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ दिन में आ जाएंगे। और अम्मी क्या आज आपको मैंने बताया कि बरसी है, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराती रहें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।